आज बात कर लेते हैं इंडिया की कुछ ऐसी मूवी के बारे में जो कि साइको किलर पे बेस्ड है। तो यह मूवी बनी थी 2018 में, मैं हूँ दंडाधिकारी। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट सेम था कि एक साइको किलर रहता है जो कि छोटी बच्चियों को ब्रूटल करके मार के उन्हें उनकी बॉडी को पन्नी में लपेट के रोड के नीचे गिरा देता है। और ये बात पर्सनल तब हो जाती है जब हीरो की भांजी को वो मार के बहुत बेदर्दी से उसकी लाश को सड़क के किनारे फेंक देता है। अगर आप सभी लोगों ने अक्षय कुमार की कठपुतली मूवी देखी होगी तो आप सभी को लोगों को याद होगा कि ये मैं हूँ दंडाधिकारी की रीमेक मूवी है कठपुतली। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो ये मूवी आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी, मैं हूँ दंडाधिकारी। तो बात कर लेते हैं इस मूवी के कुछ बहुत ही बेहतरीन सीनों के बारे में। तो सबसे बेहतरीन सीन तो नहीं यार, एक बात है जो कि इसमें जो मर्डरर रहता है वो उसको जेनेटिकल डिसऑर्डर रहता है, जिसके कारण वो बचपन से ही बूढ़ा दिखने लग जाता है। लेकिन उसकी माँ उसको कई समझाती है कि तुम अच्छे हो इस दुनिया में, तुमसे अच्छा कोई नहीं। लेकिन बात पर्सनली तब हो जाती है जब वो एक लड़की को चाहने लगता है और वो लड़की कहती है कि तुम जेनेटिकली डिसऑर्डर के शिकार हो और तुम मेरे से कभी शादी नहीं कर पाते। ये मूवी वहाँ जाके बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है। और उससे भी अगर पर्सनल वाली बात की जाए तो ये मूवी तब स्टार्ट होती है जब वो हीरो की भांजी का मर्डर करके ब्रूटल उसको सड़क के किनारे फेंक देता है। और मैं सही बताऊँ तो मूवी स्टार्ट तब होती है, तब हीरो उसको ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि साइको किलर जो रहते हैं उनका दिमाग कितना ज़्यादा चलता है, तो उसी का दिमाग भी बहुत ज़्यादा चलता है। और ये तब ज़्यादा हो जाता है जब उसमें रखे साइको किलर को मैजिक आता हो, ये तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब बात यह है कि हीरो उस साइको किलर को ढूंढेगा कैसे, उसको मारेगा कैसे, और सबसे बड़ी बात उस साइको किलर की पहचान कैसे करेगा, क्योंकि वो भेद बदलने में बहुत माहिर है। अगर आपने अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी ओरिजिनल देखना चाहते हो, क्योंकि ओरिजिनल का मज़ा अलग ही होता है यार, तो फिर भी अगर आप ओरिजिनल मूवी देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाएगी। ऐसी और अमेजिंग वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।